सो गाइस आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ऑसम सी कॉन्टैक्ट मैनेजिंग वेबसाइट। आप इसमें नेम डाल सकते हैं, किसी भी यूज़र का उसका जीमेल डाल सकते हैं और आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपकी सेव हो जाता है। और यहाँ पे हमने इसमें पूरी तरह से यहाँ वैलिडिटी रखी है, यानी कि अगर आप नेम नहीं डालते हैं या ईमेल गलत डालते हैं जो उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं डालते हैं तो ये सबमिट नहीं करता है। तो इस वेबसाइट को हम सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और JavaScript की मदद से बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं VS Code पे और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, उसे नाम दूंगा मैं कॉन्टैक्ट मैनेजर और फिर इसको VS Code में खोल लेंगे और इसमें HTML, CSS और JavaScript फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने तीनों फाइल्स क्रिएट कर ली हैं और हम HTML फाइल में बॉयलरप्लेट डाल के अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे टाइटल हम इसे दे देंगे कॉन्टैक्ट मैनेजर और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं CSS लिंक और उसके बाद हम कर लेंगे JavaScript लिंक। तो अब यहाँ पे हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद जब हमारा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो अभी तो ये लाइव सर्वर खाली है, हमारा टाइटल आ गया है यहाँ पे और अब देखते हैं कि यहाँ हमें सबसे पहले तो नैप बार इसका बनाना है। टॉप से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका नैप बार बना लेते हैं और नैप बार में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। नैप बार में बस हमें हेडिंग डालनी है इसकी, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक H1 टैग और उसके अंदर लिख दूंगा कॉन्टैक्ट मैनेजर और अब इसे मैं सेव करूँ तो यहाँ पर हमारी हेडिंग आ गई है। और अब अगर हम इसे स्टाइल करेंगे तो हमारा पूरी तरह से नेबार रेडी हो जाएगा। तो इसे स्टाइल करने के लिए चलते हैं CSS में और सबसे पहले तो जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऑफ पैडिंग है उसकी जगह हम यहाँ पे अपनी कस्टम मार्जिन ऑफ पैडिंग डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो नेब है हमारा उसे स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ये जो लिखा हुआ है ना ये मिडल में, तो इसके लिए हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर और ये सेंटर में आ गया है। तो अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देते हैं इसे, तो आई थिंक ब्लैक सही रहेगा। और यहाँ टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो टेक्स्ट को अब हम कलर दे देते हैं वाइट। सो नाउ ओके इट्स लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ी पैडिंग और दे देते हैं, तो इसको हम पैडिंग देखते हैं कितनी सही ठीक रहेगी। आई थिंक 5 pixels अगर हम दे दें तो सही रहेगी। तो हाँ गाइस यहाँ 5 pixels ठीक रहेगी और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज अगर हम बढ़ा दें तो ये और ऑसम दिखने लगेगा। और इसका ये जो फॉन्ट फैमिली है इसे भी हम चेंज करेंगे ही ऑफ कोर्स। तो यहाँ फॉन्ट साइज का कर देते हैं 20 pixels, तो आई थिंक इतना ठीक है अब। और ये जो इसके जो लेटर्स हैं इन सभी को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपरकेस। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसे हमें चेंज करना है, तो ऐसा करते हैं पूरी बॉडी की फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फॉन्ट फैमिली, ये आई थिंक ये एप्पल सिस्टम वाली ठीक रहेगी और यहाँ सेव कर दें तो ठीक है, काफ़ी ऑसम दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे हमारा जो नैप बार हो गया है रेडी, उसकी स्टाइलिंग भी कम्प्लीट हो गई है। तो अब नैप बार के बाद जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट होना चाहिए इधर, जिससे कि हम कॉन्टैक्ट्स ऐड करेंगे, तो अब हम उसको क्रिएट करेंगे और उसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ नैप बार के नीचे ही जो हमारा ऐड कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है उसे बनाएंगे। तो यहाँ मैं ऐड कॉन्टैक्ट कर देता हूँ कमेंट और इसके बाद यहाँ पर मैं एक डिव लगाऊंगा जिसको मैं आईडी दूंगा। सो आईडी हमेशा क्या देंगे, ये ऐड कॉन्टैक्ट ही दे देते हैं इसको आईडी। सो यहाँ पे मैं इसकी आईडी कर देता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट और इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग टैग लगा के यहाँ पे लिख देते हैं ऐड कॉन्टैक्ट और सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारी आ गई है हेडिंग और इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट फॉर्म और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्म टैग। तो यहाँ पे फॉर्म टैग लगा देते हैं और अभी इसका ये एक्शन हटा देते हैं और आईडी कर देते हैं इसकी फॉर्म। अब इस फॉर्म टैग के अंदर हमें सबसे पहले तो फुल नेम के लिए जो है वो पूरा डिप बनाना है और ईमेल एड्रेस के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट में हम दो चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो कमेंट कर देते हैं फुल नेम और यहाँ पर हम बना देंगे एक डिव जिसको हम क्लास देंगे फॉर्म ग्रुप, क्योंकि हम चाहते हैं हम सेम क्लास के थ्रू जो हमारे दोनों डिव्स हों फुल नेम वाला और ईमेल एड्रेस वाला दोनों को कंट्रोल कर पाएँ। तो यहाँ पे हम डालेंगे लेबल टैग और इसके बाद हम डालेंगे एक इनपुट टैग, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो लेबल जो होगा पहला वाला ये तो है हमारा नेम के लिए ऑफकोर्स, और तो इसके अंदर हम लिख देते हैं NAME नेम
और ये जो है इनपुट, इसका टाइप तो टेक्स्ट ही होगा और उसकी आईडी होगी नेम, और इसका जो नेम है वो भी नेम होगा, और ये बेसिकली हमारे नेम के लिए। और इसके अंदर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देते हैं ताकि बिना नेम फिल किए कोई भी फॉर्म सबमिट ना कर पाए, क्योंकि नेम तो रिक्वायर्ड होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारा ये फुल नेम का पूरी तरह रेडी हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और इधर नीचे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जहाँ जहाँ नेम है वहाँ वहाँ हम कर देते हैं ईमेल। तो यहाँ सब जगह नहीं करना ईमेल, यहाँ पे हमें करना है ईमेल एड्रेस। तो इधर हम कर देते हैं ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे जो टाइप है यहाँ पे भी हमें ईमेल करना है टेक्स्ट की जगह, तो यहाँ पे भी हम टाइप ईमेल कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आई थिंक देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे फॉर ईमेल नेम ईमेल आईडी ईमेल और अंदर ईमेल एड्रेस। तो ये हमारा ईमेल वाला जो डिव है वो भी रेडी हो गया। और अब गाइस यहाँ पे हम अपना बटन बना लेते हैं जो कि बटन होगा सबमिट के लिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ सबमिट बटन, और इसके बाद यहाँ पे हम एक बटन टैग लगा लेंगे जिसको कि हम आईडी देंगे BTN, और उसका जो टाइप है वो कर देंगे सबमिट, और उसके अंदर भी लिख देंगे हम यहाँ पे सबमिट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबमिट, और यहाँ सेव करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारी नेम वाली फील्ड आ गई है, ईमेल एड्रेस आ गया, और यहाँ पे हमारा सबमिट बटन भी आ गया। और अब हम करते हैं इन्हें स्टाइल और इन्हें एक अच्छा सा लुक देते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे CSS में और इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़। तो ओके, अब हम रेडी हैं, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आईडी के थ्रू हम ऐड कॉन्टैक्ट वाला जो हमारा डिव है उसे स्टाइल करते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो हम विथ है वो कर देते हैं 80%, और इसका जो मार्जिन है वो हम कर देते हैं 10 पिक्सल वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में ऑटो। तो ये देखिए इसकी मदद से हमारे ये जो पूरा कंटेंट है ये पेज के मिडल में आ गया। अभी लग रहा होगा आपके मिडल में नहीं है, तो लेफ्ट में है, तो वो इसलिए क्योंकि अभी हम इसकी जो विथ है वो बड़ी करेंगे काफ़ी, तो तब ये मिडल में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, और क्या देखते हैं चेंजेस हो सकते हैं। तो आई थिंक इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना, अब इसके अंदर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऐड कॉन्टैक्ट लिखा है ना, तो आई थिंक इसे H2 टैग में लिखना ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ H2, और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाकी अगर हमें बड़ा करना होगा तो इसकी फॉन्ट साइज़ हम मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे H2 की हम फॉन्ट साइज़ कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ इसकी कर देते हैं 40 पिक्सल, तो ठीक है थी। और जो उसका ये फॉन्ट वेट है ये ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, तो इसका थोड़ा फॉन्ट वेट हम कम कर देते हैं 500 करके देखते हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। फॉन्ट वेट इसका थोड़ा लाइट रहना चाहिए, ज़्यादा बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब जो इसका जो लेवल टैग है उसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो लेवल टैग में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेवल टैग में इसकी फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देते हैं, तो अब ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। और इसकी डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक, ताकि ये जो हमारा इनपुट टैग है वो अलग आए। तो ये हुई डिस्प्ले ब्लॉक, और ये देखिए कितना औसम लग रहा है ना ये, कि लेवल ऊपर और यहाँ पे हमारा इनपुट टैग जिसमें हमें जो भी इनपुट हमें डालना है वो डालेंगे हम। अब इसे थोड़ी मार्जिन दे देते हैं वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में से मार्जिन 10 पिक्सल दे देते हैं और 0 पिक्सल दे देते हैं एक्स में। तो ठीक है, इसकी मार्जिन भी अच्छी लग रही है। अब ये जो दोनों ग्रुप हैं, तो इनको जो हमने सेम क्लास दी थी उनके थ्रू इन्हें थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। तो ऐसा करते हैं इनकी भी मार्जिन हम कर देते हैं वाई एक्सिस में 15 पिक्सल और 0 पिक्सल एक्स एक्सिस में। अब इसके बाद हम जो इनपुट टैग है उसे स्टाइल करेंगे, क्योंकि आई थिंक वही रह गया अब स्टाइल होने के लिए, और बटन रह गया हमारा। तो इनपुट टैग में सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा बॉर्डर बेटर करते हैं, तो बॉर्डर हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और कुछ इसका कलर बेटर करते हैं। तो आई थिंक ब्लैक ही ठीक है, अच्छा लग रहा है कलर अभी। अदरवाइज़ देखते हैं हम और इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ हम बढ़ाएंगे, तो फॉन्ट साइज़ का हो गया 20 पिक्सल, और इसके अंदर देंगे हम पैडिंग, तो पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल और 5 पिक्सल एक्स एक्सिस में। तो आई थिंक ये थोड़ा बड़ा हो गया है, पर हम इसकी जब विड्थ सेट करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक लगने लगेगा। अभी ये विड्थ कम होने की वजह से ऐसा लग रहा है, तो इसकी विड्थ हम कर देते हैं 100%, और ये देखिए काफ़ी सही लग रहा है। और इसका थोड़ा सा बॉर्डर और देते हैं हम, तो बॉर्डर रेडियस 5
5 पिक्सल, तो ये देखिए अब आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, काफ़ी ये क्लासिकल लुक आ रहा है इसका। और यहाँ पे हम देखिए नेम भी डाल सकते हैं और यहाँ पे हम ईमेल डाल सकते हैं। और अब देखते हैं कि और क्या स्टाइलिंग, आई थिंक बटन रह गया है, हाँ तो बटन के लिए स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ बटन को हम आईडी के थ्रू स्टाइल करेंगे, तो सबसे पहले तो हम करते हैं बटर का कर्सर पॉइंटर, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, होना ही चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंटर हो गया है और इसके बाद हम इसका थोड़ा कलर कर देते हैं वाइट, क्योंकि हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरी तरह चेंज करने वाले हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं RGB 13 110 और 253। तो ये जो बैकग्राउंड कलर होता है, ये डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है बटन्स का हमारे बूट स्ट्रैप में, तो अगर ये आपको याद करना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको मिल ही जाएगा। और तो अब इसकी थोड़ी सी हम पैडिंग दे देते हैं, तो पैडिंग हम इसकी कर देते हैं 8 पिक्सल। और अब हम यहाँ पे करेंगे इसका थोड़ा सा बॉर्डर ना, अब इसे देते हैं थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस, तो 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस इज़ गुड। अब इसका बढ़ाते हैं फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल, क्या आई थिंक ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो 18 पिक्सल, ओके अब ठीक है 18 पिक्सल। और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसे भी चेंज करेंगे हम, तो फॉन्ट फैमिली इसकी सेंस सेरिफ कर देते हैं। और इसके बाद देखते हैं और हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, आई थिंक इसकी लेटर स्पेसिंग हम चेंज कर सकते हैं, तो लेटर हम 2 पिक्सल की स्पेसिंग कर देते हैं लेटर्स में। और इसके बाद हम इसे देते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल का। तो यहाँ पे हमारा बटन भी पूरी तरह स्टाइल हो गया है, इसमें थोड़ी सी हावर की प्रॉपर्टीज डालते हैं, तो जब भी कोई इस पर होवर करे तो हम चाहेंगे कि इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाए। तो यहाँ कर देते हैं फिल्टर ब्राइटनेस हो जाए इसकी 200%, सेव करें। तो ये इतना ऑसम नहीं लग रहा, आई थिंक इसका थोड़ा हमें कलर भी चेंज करना चाहिए। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए RGB 22 22 22। अब देखते हैं, तो ओके अब ये काफ़ी सही लग रहा है, शायद हमें ब्राइटनेस वाली चीज़ हटा देनी चाहिए, हाँ तो ये और बेटर लगने लगा है। तो यहाँ पे आई थिंक हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन है पूरी तरह स्टाइल हो गया है। अब ये जो नीचे है हमें, तो नीचे हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट लगानी है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट और ये जो ऐड कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है इसे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक HR लगा देता हूँ। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। तो यहाँ अगर मैं HR लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, तो इसको भी हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे जो HR है हमारा, उसकी सबसे पहले तो हम विड्थ कर देते हैं 80%, और इसका जो मार्जिन है वो कर देते हैं 20 पिक्सल ऑटो। और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी हम चेंज करते हैं, तो ओपेसिटी हम इसकी हाफ़ कर देते हैं, तो ओके अब ये अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट लिस्ट बनानी है नीचे, और उसके बाद हमारी आधे से ज़्यादा वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो हाँ मुझे पता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट तो तब बननी चाहिए या कॉन्टैक्ट्स तब आने चाहिए यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट की डिटेल्स डाल के उसे ऐड करे सबमिट करे, लेकिन अभी हम बस एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं लिस्ट का, ताकि एक हमें थोड़ा आइडिया टाइप का हो जाए कि कैसी होगी हमारी लिस्ट, बाद में उसे हम जावास्क्रिप्ट से बना लेंगे। तो यहाँ मैं डालता हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट और इसे कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे हम एक डिप बनाएंगे जिसको कि हम आईडी देंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब इस डिप के अंदर हमें सबसे पहले तो एक डिव लगाना है, तो बेसिकली इस लिस्ट के अंदर हमारे जो कॉन्टैक्ट होंगे वो एक डिव डिव करके लगते जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो डिव लगाएंगे इसे हम आईडी दे देंगे कॉन्टैक्ट, तो इसके अंदर हमारा जो कॉन्टैक्ट है उसकी डिटेल्स होगी। तो अब वो डिटेल्स, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए नेम, तो यहाँ पे हम डालेंगे पैराग्राफ टैग और उसे हम आईडी दे देंगे नेम डिस्प्ले। और यहाँ पे हम अभी कोई भी ऐसा नाम डाल देते हैं, तो राज डाल देते हैं। और इसके बाद हम एक और पैराग्राफ टैग लगाएंगे और इसे आईडी देंगे ईमेल डिस्प्ले
और इसमें ऐसे ही कोई रैंडम हम ईमेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ google@gmail.com, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जो कि हमारे इस एलिमेंट को डिलीट करेगा, यानी कि जो कॉन्टैक्ट वाला वो पूरा एलिमेंट होगा उसे अगर हम कॉन्टैक्ट को डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट कर देगा। तो ये हम इस पैराग्राफ के नीचे ही कर लेते हैं, पैराग्राफ टैग के नीचे ही। तो यहाँ मैं लगाऊंगा बटन टैग और इसे आईडी दे दूंगा डिलीट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं डिलीट। और अगर मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमारा सारा कंटेंट आ गया है यहाँ पे, ये नेम, ईमेल और ये बटन हमारा। अब इसे करते हैं स्टाइल सीएसएस में चल के, जिससे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे और प्रोफेशनल लुक आ जाए इसमें एक। तो सबसे पहले तो इसका जो हैशटैग कॉन्टैक्ट लिखते हैं हम, यानी कि जो कॉन्टैक्ट वाला डिब है उसे स्टाइल करेंगे। तो उसकी सबसे पहले तो विथ कर देंगे हम 80%, और उसका जो मार्जिन है उसे सेट करेंगे इसे मिडल में लाने के लिए। तो मार्जिन इसका 10 पिक्सल कर देते हैं वाई एक्सेस में और ऑटो कर देते हैं एक्स एक्सेस में। तो ये देखिए मिडल में आ गया है। तो बेसिकली इसकी विथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये मिडल में आया है। अब इसे हमें एक बॉर्डर देना चाहिए, तो बॉर्डर में इसका कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। तो अभी तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अभी हम और स्टाइलिंग देंगे। तो अभी इसको हम देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और आई थिंक इस बॉर्डर का थोड़ा कलर हमें लाइट रखना चाहिए। तो यहाँ मैं देखता हूँ कोई लाइट सा कलर, आई थिंक ये ठीक रहेगा, सेव करते हैं। तो वो हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा लाइट है पहले से। अब हम देखते हैं और उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आई थिंक हम इसे थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं ताकि ये जो डिस्टेंस आ जाए जो हमारा लिखा हुआ है और बॉर्डर के बीच में। तो यहाँ हम देते हैं इसे पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक रहेगी अभी। तो ये पैडिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब यहाँ पे इसे बॉक्स साइजिंग बॉक्स ऑर्डर कर देते हैं ताकि जो पैडिंग की वजह से उसकी जो विथ बढ़ गई है अगर आप देखें तो वो सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जो विड्थ बढ़ गई थी पैडिंग देने की वजह से वो अब कंट्रोल में आ गई है। अब आई थिंक ये जो कॉन्टैक्ट वाला हमारा पार्ट है वो तो हो गया है। अब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें स्टाइल करते हैं। तो ये जो नेम है इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी आईडी है नेम डिस्प्ले, तो इसकी आईडी के थ्रू हम इसे थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। तो हैशटैग नेम डिस्प्ले, यहाँ पे हम इसका फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्डर, तो ये बोल्ड हो गया है। और इसके बाद अब ये जो डिलीट बटन है इसे और सेट कर लेते हैं। तो हम ये करेंगे हैशटैग डिलीट, और इसकी पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट। और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करने के संग हमें यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट की पोजीशन है वो रिलेटिव करनी होगी। तो यहाँ रिलेटिव कर दिया, अब ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं इसे। तो इसका टॉप हम कर देते हैं 15 पिक्सल कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसका हमें राइट देखते हैं, राइट 0 पिक्सल कर देते हैं, फिर सेट करते हैं राइट, हम कर देते हैं इसका 0 पिक्सल। अब थोड़ी सी इसे विड्थ देते हैं तो 15 पिक्सल देखते हैं, तो ओके 15 पिक्सल काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसे थोड़ा सा हमें नीचे और लाना चाहिए शायद, तो इसका टॉप में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ओके। तो ये पूरी तरह से सेट हो गया है। और इसे थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं क्योंकि ये बटन को तो स्टाइल किया ही नहीं हमने, बस पोजीशन उसकी सेट करी है। तो पैडिंग हो गई इसकी 5 पिक्सल, और बैकग्राउंड अब इसको टॉप से फिर कम ही करना पड़ेगा हमें, 15 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाँ अब मिडल में आया है, क्योंकि हमें मिडल में चाहिए इसकी बिल्कुल लाइनिंग में, इस वजह से हम ये सब कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम उसे अलग डिब में डाल के फिर डिस्प्ले फ्लैक्स करके भी ये चीज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ईजी रहेगी, पर अब हमने ये कर लिया है तो इसी की थ्रू इसी वे से स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड कर दें इसका नन, तो ये बटन कुछ ऐसा लगेगा, और इसका बॉर्डर भी हम नन कर देते हैं। तो बॉर्डर आई थिंक नन नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये बटन है, बटन में तो कुछ बॉर्डर सही रहता है। ऐसा करते हैं इसको कुछ अलग बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर इसका कर देते हैं हम 1 पिक्सल सॉलिड, और आई थिंक ठीक रहेगा इसमें रेड, और रेड इसका यहाँ पे या कुछ और कलर देते हैं हम DC 4545, और सेव करते हैं इसे।
तो ये कुछ ऐसा ही रेड का थोड़ा सा लाइट वर्जन है, और इसका अंदर का कलर भी हम सेम ही कर देते हैं, #DC4545। तो देखिए कितना ऑसम लग रहा है। अब इसे देते हैं बॉर्डर रेडियस, तो इसकी बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 5 पिक्सल, तो काफ़ी ऑसम लग रहा है अभी। और ये अगर हम इसमें होवर की फंक्शनलिटी और डाल दें तो ये और अच्छा लगने लगेगा। तो #DeleteHover हम यहाँ कर देते हैं बैकग्राउंड कलर #DC this, और कलर इसका कर देते हैं ब्लैक, और जो उसका कर्सर है वो कर देते हैं पॉइंटर। ओके, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आई थिंक इसका कलर अगर हम वाइट कर दें तो और बेटर लगने लगेगा, तो इसका कलर कर दिया है मैंने वाइट। सो यस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। तो यहाँ जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो रेडी हो गया है। अब इसी एलिमेंट को देख के, हम इसके स्ट्रक्चर को देख के हमें एक आइडिया हो जाएगा कि जब भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड हो तो किस टाइप का हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे एलिमेंट बनना चाहिए। तो अब वक्त आ गया हमारा जावास्क्रिप्ट लिखने का। तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या चाहूँगा कि जब भी कोई नेम और ईमेल एड्रेस डाल रहे हो सबमिट पे क्लिक करे तो हमें उसकी डिटेल्स मिल जाए कि उसने क्या वैल्यूज़ डाली हैं। तो उसके लिए हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में, और सबसे पहले तो ये जो हमारा बटन है सबमिट वाला, इसे इसकी आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा const btn = document.getElementById, और यहाँ मैं लिख दूँगा btn। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है इसे, और इसके बाद हमें नेम और ईमेल चाहिए ना, तो हम नेम वाली जो इनपुट टैग है उसकी आईडी की मदद से उसे और यहाँ पे ईमेल को, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ const name = document.getElementById name, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे const email = document.getElementById, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईमेल। तो यहाँ पे हमने अभी जितने एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सब यहाँ पे हमने ग्रैब कर लिया है, उनके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। तो हम btn पे लगाऊंगा एड इवेंट लिस्ट, और यहाँ इवेंट कर दूंगा क्लिक, और इसके अंदर यहाँ पे कर दूंगा एक फंक्शन जिसके अंदर मैं ई पैरामीटर डाल दूंगा, और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा console.log name.value और console.log email.value, और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ हम साइड में कंसोल खोल लेते हैं। तो यहाँ मैं नेम डालता हूँ कैंटा, और यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ google@gmail.com, और ये देखिए यहाँ पे कुछ आया था पर वो एकदम से आके चला गया। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट नेचर होता है वो होता है सबमिट करने का, सेंड करने का। तो यहाँ पे हम अगर हम यहाँ लिख दें e.preventDefault, और ये फंक्शन अगर हम लिख के सेव करें तो अब देखते हैं, यहाँ मैं ऐसे ही कुछ भी टैप कर देता हूँ और यहाँ पे भी ऐसे ही। तो ये देखिए अब यहाँ पे सबमिट करने पे हमारी डिटेल्स आ गई हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट नेचर है उसे यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो अब हमें पता है कि हमें डिटेल्स मिल रही हैं। अब हमें क्या करना है कि इन डिटेल्स को लेकर यहाँ पे बनाना है एक एलिमेंट जिसके अंदर ये डिटेल्स पास हो जाएँ। तो वो हम कैसा करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैं फंक्शन को सबसे पहले तो नाम दूंगा createContact, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा constPlate, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा document.createElement, और एलिमेंट हमें कौन सा क्रिएट करना है, dev element। अब ये करने के बाद हम ये जो प्लेट है इसमें सेट एट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ मैं कर देता हूँ plate.setAttribute, और एट्रीब्यूट हमें क्या सेट करना है, हमें ये देखिए यहाँ पे ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया प्लेट, तो ये क्या क्या रहेगा कि एक एलिमेंट बनाएगा, कौन सा एलिमेंट, डिव एलिमेंट क्रिएट करेगा। अब ये जो डिव एलिमेंट क्रिएट होगा ये फंक्शन के रन होने पे, तो इसमें हम एट्रीब्यूट डालेंगे, यानी कि एट्रीब्यूट यानी कि कुछ भी आईडी या जो भी हमें इसमें अंदर प्रॉपर्टी डालनी है, तो इसमें हम आईडी डालेंगे। तो इसमें हम आईडी क्या डालेंगे, आईडी हम इसमें डालेंगे कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अब इसे सेव कर देते हैं। तो अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, ये यहाँ पे हमने डाला ही नहीं है। यहाँ जो क्रिएट कॉन्टैक्ट फंक्शन है हम यहाँ इधर रन कर देते हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट। तो जब भी कोई सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो क्रिएट कॉन्टैक्ट फंक्शन रन होगा,
और यहाँ पे ये div एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेलो, और यहाँ पे कोई भी जीमेल डाल देता हूँ। अब मैं करता हूँ क्लिक सबमिट पे। तो ये देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट हो गया है, पर वो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आपको दिखाऊँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है फिलहाल। तो अभी तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या? तो हाँ गाइज, अभी कैसे आ जाएगा, अभी तो हमने अपेंड ही नहीं किया है इसके अंदर। तो यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमें अपेंड करना है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला हमारा डिव है, वो जो डिव क्रिएट होगा वो उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हम पहले तो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब इसे करते हैं सेव। सॉरी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट, यहाँ पे कुछ ई आई डी पड़ेगी। अब ठीक है, तो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हम डाल देंगे प्लेट। अब मैंने यहाँ सेव कर दिया है। अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे एक डिप बन गया है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। तो उसके अंदर कंटेंट हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। हम देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे अपना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेट डॉट इनर एस टी एम एल, और यहाँ मैं लगा देता हूँ उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल्स। अब हम क्या करेंगे, हम बस इतना बस प्लेट डॉट इनर एस टी एम एल लिखेंगे, और इसके अंदर ये जो हमने पूरा यहाँ पे जो बनाया हुआ था, जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला एलिमेंट है, उसके अंदर की जो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डिव तो बना ही चुके हैं उस फंक्शन में। अब ये जो अंदर का बटन और ये जो पैराग्राफ टैग है, इसे यहाँ से करते हैं हम कॉपी, और इसके अंदर कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे जो राज लिखा है ना, जो कि नेम है हमारे यूज़र का, तो वहाँ पे हम लिख देंगे डॉलर, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम होना चाहिए नेम डॉट वैल्यू, और यहाँ ईमेल की जगह हमें क्या करना है कि यहाँ हम करेंगे डॉलर, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर हम कर देंगे यहाँ पे ईमेल डॉट वैल्यू। अब सेव कर दिया है मैंने। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसी टैप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक सबमिट पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एलिमेंट आ गया है नया बन के। और अगर मैं फिर से सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये फिर से आ गया है, जबकि यहाँ ऐसा होना चाहिए था कि एक बार सबमिट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से ये क्लियर हो जाना चाहिए था। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे कि मैं जब भी ये क्रिएट कॉन्टैक्ट फंक्शन रन हो, यानी कि कॉन्टैक्ट हमारा क्रिएट हो जाए, उसके बाद नेम डॉट वैल्यू हो जाए नल, और ईमेल डॉट वैल्यू भी हो जाए नल। तो अगर मैंने इसे सेव किया तो अब देखते हैं, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यूज नल हो गई हैं। और अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं, तो ये तो एक ब्लैंक एलिमेंट बन गया। तो इस चीज़ को भी हमें फिक्स करना होगा। और इस चीज़ को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसका हम एक इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एक कंडीशन, तो इससे तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ हम ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के बाद यहाँ पे लिख लेंगे हम कॉन्स्ट इज वैलिड। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी वैलिडिटी चेक होगी फंक्शन की, कि वैलिड है कि नहीं है। और यहाँ हम लिख देंगे फॉर्म डॉट चेक वैलिडिटी। ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, मतलब ये एक फंक्शन होता है, प्री डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। और अगर मैं इसे सेव करूं और यहाँ पे मैं कर दूं कंसोल डॉट लॉग इज वैलिड, तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या मिल रहा है हमें कंसोल में। तो यहाँ एरर दिखा रहा है कि इट्स नॉट अ फंक्शन, तो कुछ मिस्टेक हुई है क्या, देखते हैं ज़रा।
तो हाँ गाइस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है वैलिडिटी की, तो सही कर लेते हैं इसे, VALIDITY होगी। अब यहाँ सेव करने के बाद FFF और यहाँ सबमिट किया तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है फॉल्स, यानी कि ये जो फॉर्म है ये वैलिड नहीं है। और अगर मैं फिर से सबमिट पे क्लिक करूँ तो फिर से फॉल्स आ गया क्योंकि ये अभी भी वैलिड नहीं है। और यहाँ अगर मैं नेम डाल दूँ और एक ईमेल डाल दूँ तो आप सबमिट पे क्लिक करें तो देखिए अब ये ट्रू आ गया क्योंकि ये वैलिड है। तो देखिए जो फंक्शन है कितना अच्छा वर्क करता है। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम लिख देंगे इफ इज वैलिड, और उसके बाद हम इसके अंदर ये सब डाल देंगे। तो ये कंसोल लॉक की नीड नहीं है अब हमें, हम बस ये डाल देते हैं कि क्रिएट कॉन्टैक्ट और ये, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ हम कर देते हैं पेस्ट, और एल्स में लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग राइट प्रॉपरली। तो अब देखते हैं, यहाँ मैंने क्लिक किया सबमिट पे तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एलिमेंट आ गया है और यहाँ से सब कुछ रिमूव हो गया। और अगर मैं फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ कंसोल में लिखा आना चाहिए राइट प्रॉपरली, जो कि आ रहा है। तो देखिए कितना ऑसम वर्क कर रहा है ये। अब बस हमें एक चीज़ और इसमें ऐड करनी चाहिए कि ये जो डिलीट बटन है ये वर्क करे, जो कि अभी नहीं कर रहा है क्योंकि हम डिलीट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं जिसको कि हम नेम देंगे रिमूव। तो यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ रिमूव नाम से, और इसके अंदर हम पैरामीटर डाल देते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इसके अंदर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग। तो अब इस फंक्शन को हम डालेंगे कहाँ, तो अगर हम देखें तो ये फंक्शन कब रन होना चाहिए, जब कोई डिलीट बटन पे क्लिक करे। तो डिलीट बटन पे क्लिक करवाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डिलीट बटन पे ऐड इवेंट लिस्ट ना लगा दें, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमने ये जो डिलीट बटन है यहाँ पे क्रिएट किया है ना, तो इस फंक्शन के बाहर तो कोई डिलीट बटन को जानता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी के अंदर हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन क्लिक इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम ये फंक्शन रिमूव जो है वो रन कर सकते हैं, और इसके अंदर एक पैरामीटर भी पास करवा सकते हैं। तो इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे दिस। तो यहाँ दिस का क्या मतलब है कि यानी कि इस रिमूव फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर दिस, यानी कि ये पूरा जो बटन एलिमेंट है ये चला जाएगा। तो अगर मैं इसे सेव करूँ और कंसोल डॉक डिलीटेड और कंसोल लॉग अगर आप मैं कंटेंट कॉन्टैक्ट करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए अब यहाँ पे कंसोल खोल लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे पहले तो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट हो गया, अब मैं क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो यहाँ पे तो डिलीट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। तो गाइज यहाँ पे ये डिलीटेड स्ट्रिंग है। तो यहाँ मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे डिलीटेड कंसोल में लिखा आया, और जैसा ही मैंने कहा था कि वो जो दिस है उस दिस ने एज अ पैरामीटर पूरा का पूरा बटन एलिमेंट पास कर दिया, और वो हमारे इस रिमूव फंक्शन के अंदर आया पैरामीटर जिसको हमने कॉन्टैक्ट नेम दे दिया है, और ये पूरा देखिए कंसोल लॉग में शो हो गया। तो अब इसको पूरे को हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब कैसे डिलीट करेंगे कि अभी मैं इसको हटा देता हूँ दोनों को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, और उस वेरिएबल के थ्रू हम उस वेरिएबल को नाम देंगे एलिमेंट, और उस वेरिएबल के अंदर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली जो वो लाएगा, जो कि बटन लाएगा, तो उसको हमने नेम दे दिया एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट का जो पेरेंट है, यानी कि हम लिखेंगे एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, और यहाँ पे कर देंगे डॉट रिमूव। तो देखते हैं सब कुछ सही है। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं सेव। अब ये कंसोल हम हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं डालता हूँ जीमेल, और यहाँ क्लिक करते हैं सबमिट पे।
अब करते हैं डिलीट बटन पे क्लिक, तो ये देखिए हमारा एलिमेंट यहाँ से पूरी तरह से डिलीट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके ये जो हमने डिव कॉन्टैक्ट बनाया है इसे हटा दूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये रहे और जो हम कॉन्टैक्ट डाले वही आए। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट हम खाली छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि अब डाल के देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पहले मैंने पहला एलिमेंट डाला और यहाँ सबमिट पर क्लिक, एक एलिमेंट बन गया। अब यहाँ दूसरा एलिमेंट, और यहाँ चौथा एलिमेंट, अब यहाँ एक एक करके डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं राज वाले को डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए वो डिलीट हो गया। हेलो वाले को डिलीट करेंगे जिसमें hello@gmail.com हमारी आईडी है, तो ये देखिए ये डिलीट हो गया। अब ये हेलो वाला, फिर ये वाला भी डिलीट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। बस यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो आ गया पर अगर हमने रिफ्रेश किया तो ये कॉन्टैक्ट गया, और ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लोकल स्टोरेज का। पर हो सकता है आप में से कई लोगों ने लोकल स्टोरेज का नाम पहली बार सुना हो, तो इसलिए उसका यूज़ हम इसमें ना करके उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, यानी कि इस प्रोजेक्ट की एक पार्ट टू की वीडियो और बनेगी और उसमें हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम पहले तो समझेंगे लोकल स्टोरेज को और उसके बाद अपनी वेबसाइट में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके अलावा भी हम काफ़ी सारी इसमें फंक्शनलिटीज़ और ऐड करेंगे इस वेबसाइट के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, इसे यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।